हाँ जी नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित इसके अंतर्गत अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न नंबर 8 वा एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो, ये आज का प्रश्न है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपसे ये जानकारी करना चाहता हूँ कि भाई आप पहले तो सूत्रों को बराबर याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सूत्रों को बराबर याद करते रहना। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि जब तक आपको सूत्र याद नहीं है, कोई सी भी प्रश्नावली किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है, सूत्र याद है तो आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे। सूत्र याद नहीं है तो आपको कोई सा भी प्रश्न, चाहे वह सरल भी होगा तो भी आपके लिए वो कठिन ही होगा। इसीलिए सूत्रों को बराबर याद करते रहना, ठीक है। अब यहां भी हम इस प्रश्न को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो अर्ध गोलाकार कटोरा है और इसकी मोटाई अपने को दी हुई है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर, और इसे कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दे रखी है यानी भीतर की त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आंतरिक त्रिज्या जिसको हमने R1 के नाम से, तो R1 बराबर आपके पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। दूसरा इसकी मोटाई दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या है कि इसमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हमारे को बाहर की त्रिज्या ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या जो R1 है, इस R1 में हम क्या करेंगे, मोटाई को जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या जाएगी, बाहरी त्रिज्या जाएगी जिसको हमने R2 के नाम से लिखा है। तो बाहरी त्रिज्या R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस मोटाई। अब R1 कितनी हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर, प्लस की जगह प्लस, और मोटाई बराबर 0.25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का योग किया तो योग करने पर हमारे पास में 5.25 सेंटीमीटर, यानी बाहर की त्रिज्या हमारे पास में होगी, ठीक है। बाहर की त्रिज्या हमने क्या किया, आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को प्लस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, लेकिन अर्ध गोले का, क्योंकि आकृति जो दी हुई है कटोरे की वो कैसी है, अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन बाहरी किसका, अर्ध गोले का। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr² होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2πr² क्योंकि त्रिज्या को हमने बाहरी त्रिज्या को r2 से लिखा हुआ, इसलिए 2πr² का वर्ग कर दें। ये आपका सूत्र हो गया। अब सूत्र के अनुसार हमको क्या करना, मान रखना है। तो देखो दो की जगह तो दो आ गया और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुणा का निशान, और वापस पाई की जगह 22 और R2। अब R2 बराबर क्या हमारे पास, R2 बराबर हमारे पास में 5.25 है, तो ये 5.25 × 5.25। सूत्र में हमने क्या किया, केवल मान रख दिया। अब दशमलव को हटाइए, दशमलव हटाते नीचे क्या हो गया, 100 हो गया, और यहाँ भी दशमलव को हटाया तो नीचे क्या हो गया, 100 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक आ रहे हैं इसलिए। अब जिस तरह से ये कटी वैसे हम काटने की कोशिश करते हैं, जैसे 7 × 7 और 7 से 525 को काटा तो 75 बार कट गया। अब हमको काटना नहीं, अब हम क्या करेंगे, 75 को 525 से गुणा, फिर जो आंसर आता उसको 22 से गुणा, फिर जो आंसर आता उसको 2 से गुणा कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ऊपर वाली संख्या से हमको क्या करना, गुणा करना, ऊपर वाली को ऊपर वाली से ही गुणा करना, गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद में नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करने पर हमारे पास में 17,32,500 आए। कितने आए, ऊपर वाली 1, 2, 3, 4 चारों संख्या को गुणा करने पर 17,32,500 आ रही है, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर रहे तो कितना आ रहा, 10,000, यानी 100 को 100 से गुणा करने पर ये 10,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, तब हमारे पास में क्या बचा, 17,325 बटे हुए 100। अब 100 का भाग हम 17,325 में लगाएंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई का भी ध्यान में रखना, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर या वर्ग रखना, बुझाए हमको दी हुई सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो
तो आपका आंसर क्या हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर केवल एक ही नई बात है, नई बात यह है कि हमको क्या है किसके अंदर मोटाई दी हुई है और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है और बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पूछा है तो बाहर की त्रिज्या क्या होनी जरूरी है। तो बाहर की त्रिज्या के लिए हमने क्या किया आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को प्लस कर दिया और उसके बाद में हमने क्या किया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। लेकिन आकृति का ध्यान रखना अर्ध गोलाकार इसलिए अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना ठीक है। अब आपको एसडब्ल्यू में क्या करना इसी प्रश्न को हल करना लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और उसके बाद इस प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे ठीक है। एसडब्ल्यू बराबर हल करते रहना है सूत्रों को बराबर याद करते रहना ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।